हनी फैमिली एंड बेबी केयर में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ खजूर के बारे में। खजूर में जो होता है पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है और ये बच्चे हों चाहे बड़े हों सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अब बात ये होती है कि बच्चों को खजूर हमें कैसे खिलाना चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप खजूर खिलाने स्टार्ट करने जा रहे हैं, 6 महीने का बच्चा हो जाए तब स्टार्ट कीजिए। आप इसको स्टीम करके खिलाइए या आप इसको दूध में प्योरी बना के बच्चे को दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि शिशुओं को खजूर खिलाने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो इसमें पोटेशियम मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। कुछ बच्चों को एसिडिटी और अल्सर की दिक्कत होती है तो इसमें बहुत ही फायदा करता है बच्चों के लिए। जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उसे खजूर जरूर खिलाएं। ये मसूड़ों को मजबूत करता है और दांतों को तेज से बढ़ने में मदद करता है। अगर खजूर में जो होता है आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे शिशुओं के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ता है। इससे बच्चों के बाल बढ़ते हैं और स्किन को भी पोषक तत्व मिलता है। बच्चों को एक दिन में कितने खजूर खिलाने चाहिए? आप स्टार्टिंग जो है किसी भी फल फ्रूट में मैश करके बच्चों को खिलाइए, फिर आप धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप 1 से 3 मैक्सिमम खजूर बच्चों को खिला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बच्चों को खजूर मत दीजिएगा। आई होप ये छोटे से वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।